माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। मेरे विचार में एक वर्ष पूर्व में मैंने एक क्लास डाला था लूसीफर के विषय में, क्योंकि उस समय पर मुझे एक वीडियो मिला था संत पापा फ्रांसिस लूसीफर का पूजा कर रहा है बोल करके। उस समय पर एक वीडियो मिला था लूसीफर का पूजा करता हुआ, लूसीफर लूसीफर आवाज, ये सब एडिट किया हुआ था, सुनते ही पता चलता है। और अभी हाल ही में अभी मैं जो गलत शिक्षाओं का क्लास ले रहा था उस समय पर एक भाई ने, हमारा डेली जो फॉलोवर है, उन्होंने एक वीडियो डाल करके दिया बहुत दुखी हो करके, क्या ये सत्य बात है? पोप फ्रांसिस ने कैथोलिकों का ईश्वर, क्रिश्चियनिटी का ईश्वर लूसीफर करके घोषणा किया, ये हेडिंग है। और लूसीफर से प्रार्थना करता हुआ अन्य कोई बिशप है, ये सब वहां पर उसके अंदर दिखा रहा है। और वो बहुत दुखी हो करके ये भी डाल करके दिखाया कुछ ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट लूसीफर से प्रार्थना करता हुआ। लूसीफर शब्द है लैटिन में, वो लिखा हुआ वो शब्द का अर्थ क्या है शायद वो भी नहीं जान रहा है। लैटिनी प्रार्थना के अंदर एक वर्ड है लूसीफर, उसको देख करके, इसका मतलब कैथोलिकों में एक प्रार्थना भी है लूसीफर से। और लूसीफर का पर्व मना रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं है। एक तो सबसे पहले उसके उत्तर में ये झूठी शिक्षा, ये शैतान का कार्य है। ये जो वीडियो जो वायरल कर रहा है ये शैतान का लोग है, ये क्रिश्चियन लोग भी नहीं है। कुछ है इससे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कार्य करने वाला ऐसे बहुत लोग है, ऐसे ऐसे संत पापा कैथोलिक चर्च, क्योंकि सत्य कलीसिया उसके खिलाफ अगर ऐसा बोल करके जितने लोग उससे हटा देंगे, जो लोगों का मन में ऐसा ऐसा गलत धारणाएं डाल देंगे, वो सक्सेस हो गया, विजयी हो गया। सत्य कलीसिया से कुछ लोग निकल जाए, कैथोलिक चर्च से निकल जाए, उसके अंदर उनका विजय है। उसके लिए बहुत कोशिशें चल रहा है, इसलिए संत पापा के विरुद्ध पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा है। उनमें से एक है अभी पोप फ्रांसिस ने लूसीफर को ईश्वर कर करके डिक्लेयर कर दिया, ये हेडिंग में, ये दो तीन साल से चल रहा है। अभी ये भाई ने आया ये डाल करके दिया, इसलिए मैं सोचा, मैंने उनको उत्तर भी दिया। और लेकिन मेरा मन में आया एक और क्लास अभी चली रहा है झूठी शिक्षा का, तो उन्होंने हो सकता है क्लास मांग रहा है इसी वजह से, और इसके अंदर कुछ सिखाने के लिए भी है। उस क्लास के अंदर भी मैंने सिखाया था, पुनः मैं थोड़ा सा बताकर देना चाहूंगा। सबसे पहले लूसीफर, पवित्र बाइबल के अंदर आपको लूसीफर शब्द कहीं मिला है? हिंदी इंग्लिश के अंदर कहीं ट्रांसलेट किया है तो प्रोटेस्टेंट चर्च का बाइबल में होगा। एक्चुअली लूसीफर शब्द लैटिनी शब्द है, हाँ वुलगात बाइबल के अंदर हो या नहीं है मैं उसको सर्च करना भूल गया। मैं बहुत कुछ सर्च किया लेकिन लैटिनी बाइबल का मेरे मन में नहीं गया था, वो नहीं गया उसके अंदर क्या ट्रांसलेटेड है। मैंने काफी सर्च किया, ये शब्द निकाला है इसहाक का ग्रंथ दिया है 14 वाक्य 12 से, थोड़ा सा
पढ़ना भी अच्छा है। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 14 आइज़ाया चैप्टर 14 वर्स 12 वहां पर हिंदी ट्रांसलेशन में हम लोगों का बाइबल में ऐसा है, वो प्रभात के तारे उषा के पुत्र तुम आकाश से कैसे गिरे। यदि हम लोग इस इसहाक का ये ग्रंथ, ये किसके विषय में है, ये शैतान के विषय में नहीं है, बाबुल के राजा के विषय में ये लिखा हुआ है, तो थियोलॉजियंस इस भाग को शैतान के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। कौन शैतान? जो स्वर्गदूत था, स्वर्गदूत से जो नरकदूत बना, उन शैतान का एक रूप के रूप में भी इस बाबुल के राजा के विषय में सियाद नबी ने जो बोला वचन फिट बैठ रहा है, इसलिए थियोलॉजी ने सिखाते हैं। तो यहां पर लिखा है, वो प्रभात के तारे उषा के पुत्र तुम आकाश से कैसे गिरे, तुम जो राष्ट्रों को पराजित करते थे, तुम कैसे अधोलोग में पड़े हो। अधोलोग में पड़ने के कारण, और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर मिकाएल और उसके दूतों ने मिलकर के उस पंखदार सर्प को नीचे फेंकने का, पाताल लोग में फटकने का, क्योंकि वो झूठा अभियोग लगाने वाला वो पुरातन सर्प है, अर्थात वो शैतान का रूप बताया। उसके साथ हम लोग इसको अगर मिलाकर देखें, ये प्रभात के तारे उषा के पुत्र जो उसको बुलाया है, उसको लूसिफर शब्द इस्तेमाल किया। प्रभात के तारे अर्थात मॉर्निंग स्टार, अनेकों ट्रांसलेशन में हमें यही मिलेगा, मॉर्निंग स्टार। मैंने कुछ ट्रांसलेशन देखा, मैंने वुलगाता बाइबल को छोड़ दिया, लेकिन कुछ ट्रांसलेशन मैंने देखा, हिब्रू बाइबल का शब्द ऐसा लिखा हुआ है, हेलेल बेन शाचर। हिब्रू बाइबल में हेलेल बेन शाचर लिखा हुआ है, उसका अर्थ है, वहां इंग्लिश में दिया था, शाइनिंग वन, सन ऑफ द डॉन। इसका मतलब हिब्रू शब्द में भी वो लूसिफर शब्द नहीं है, लेकिन वुलगाते ट्रांसलेशन के अंदर मुझे पढ़ने के लिए मिला है, इस जो प्रभात के तारे, ये जो हिंदी में हम लोगों को जो मिल रहा है, प्रभात के तारे, सन ऑफ द डॉन, वो शब्द को लूसिफर वर्ड है। प्रभात के तारे लूसिफर लैतिनी शब्द है, सन ऑफ द मॉर्निंग स्टार, ये लिखा हुआ किसके अंदर? वुलगाते बाइबल, लैतिनी बाइबल के अंदर ऐसा ट्रांसलेट किया हुआ है करके मुझे कहीं पढ़ने के लिए मिला। उसी शब्द को, लैटिनी बाइबल का उस शब्द को पकड़ करके अनेकों लोग शैतान को एक नाम डाल दिया, लूसिफर, ये शैतान का नाम है। सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए, पूरे बाइबल के अंदर शैतान को कोई नाम नहीं है। फिर से एक बार बोल देता हूं, पूरे बाइबल में, चाहे पुराना विधान हो चाहे नए विधान हो, इसके अंदर शैतान को कोई नाम नहीं है। देयर इज नो नेम फॉर शैतान। शैतान को कोई नाम नहीं दिया है, कहीं भी देखो, कई उनका स्वभाव के अनुसार, ईसा मसीह ने भी बोला है, ये झूठ है, झूठ की पिता है, इनमें कोई सत्य नहीं, झूठ की पिता, ऐसा कर करके प्रभु ने भी बुलाया, तो उसका कोई नाम नहीं है, उसका स्वभाव। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर वो बहुत ही सुंदर तरीके से पर वहां पर भी लिखा हुआ मिलेगा, शैतान के विषय में जो लिखा हुआ, जो प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 से थोड़ा पढ़ लेते हैं, 9 से नहीं 7 से, स्वर्ग में एक युद्ध छिड़ा, मिकाएल और दूतों को पंखदार सर्प, देखो अगला नाम दिया, पंखदार सर्प से लड़ना पड़ा, पंखदार सर्प और उसके दूतों ने उसका सामना किया किंतु वे नहीं टिक सके,
वो और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रह गया। तब वह विशाल काय भंगदार सर्प, वो पुराना सांब जो इबलीस या शैतान कहलाता है, सारे संसार को भटकाता है, भटकाने वाला, झूठी शिक्षा देने वाला, अपने दूधों के साथ उन्हें भटक दिया गया। इसके बाद उसने लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया, जो दिन रात प्रभु के सामने अभियोग लगाने वाला एक स्वभाव था, अभियोग लगाने वाला। यदि योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 8 वाक्य 44 को भी मैं पढ़ना चाहूंगा, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, वहां पर ईसा मसीह कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान के संतान हो और उसकी इच्छा पूरा करते हो, इसलिए इसे झूठ मूठी शिक्षा देते रहते हैं। इसके बाद उसके विषय में लिखा है, वह झूठ बोलता है। इसके बाद बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, झूठ का पिता है। तो इस प्रकार बताने वाले को आजकल बोल रहे हैं लूसिफर शैतान है। तो मैं उसका खंडन करते हुए कुछ बातें बताकर देना चाहूंगा। यदि हम आदिम कलीसिया में देखें, आदिम कलीसिया का एक ऐसा संद के विषय में मुझे पढ़ने के लिए, आप लोग भी गूगल सर्च कर सकता है, मैंने भी गूगल सर्च कर करके इसको निकाला। वहां पर एक संद का नाम है सेंट लूसिफर ऑफ कैग्लियारी, सेंट लूसिफर ऑफ कैग्लियारी, जिनका जन्म एडी 300 में हुआ, उनका मृत्यु 370 में हुआ। वो बिशप ऑफ कैग्लियारी, कैग्लियारी के बिशप था, 4th century का बिशप। वो हमारे उस समय का जो हमें मालूम है बहुत बड़ा जो जो पाषंडता चलता था, जिसे हम लोग आर्यनिज्म कहते हैं, एक पुरोहित था आरियुस, उनके द्वारा ईसा मसीह के जो स्वभाव ईश्वरत्व और मनुष्यत्व इस स्वभाव के विरुद्ध में सिखाने वाला व्यक्ति था आरियुस। और इस कारण 325 में ये जो एफेसुस महासभा, ये सभा में मालूम है इतिहास, और निसिया जो धर्म सार लिखना, ये सब के पीछे का कारण ये आर्यनिज्म है। ये जो लूसिफर ऑफ कैग्लियारी इस आर्यनिज्म का एकदम अपोज करने वाला एक शत्रु था, ऐसे लोगों के खिलाफ ऊंची आवाजों में सिखाने वाला, किताबों की रचना करने वाला था। इस प्रकार आर्यनिज्म के खिलाफ आवाज उठाने के कारण रोमा साम्राज्य से एम्परर कॉन्स्टेंटिनियस सेकंड ने उनको वहां से निकाल दिया था, आर्यनिज्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। धैर्य के साथ आर्यनिज्म का ओपोज करने वाला व्यक्ति था ये सेंट लूसिफर ऑफ कैग्लियारी। इसके बाद 355 में ये काउंसिल ऑफ मिलान में भाग लिया था, और नाइसिन क्रीड जो बन चुका था उससे पहले, और संत अथनेसियस उसकी रचना किया और काउंसिल ने उसको स्वीकार किया, और ईसा मसीह का पूर्ण ईश्वरत्व और पूर्ण मनुष्यत्व को उसके द्वारा घोषणा करना शुरू किया। तो ये जो विश्वास मंत्र क्रीड को, नाइसिन क्रीड को ये पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा था। लेकिन कुछ वर्ष बाद में कुछ आर्यन लोग, ये जो आर्यनिज्म के पीछे जो लोग था, उनका मन परिवर्तन होने लगा, वो सत्य को जान करके कलीसिया से मिलने के लिए आग्रह किया। आपको मालूम होना चाहिए केवल विश्वासी लोग नहीं, कुछ पुरोहित लोग नहीं, कुछ बिशप लोग भी इस आर्यनिज्म में फंस गया था। तो कुछ बिशप लोग वापस आना चाह रहा था। तो 362 में, 362 में अगला एक काउंसिल अलेक्जेंड्रिया में हो गया, काउंसिल ऑफ अलेक्जेंड्रिया। उसके अंदर बिशपों ने चर्चा किया,
और जो पश्चाताप करके जो आयरनिज्म से जो वापस कलीसिया में जो जुड़ना चाहते हैं उनको वापस लेने के विषय में चर्चा हुआ। लेकिन ये लूसिफर ऑफ कैग्लियारी ये बिशप था, इन्होंने उसको अपोज किया, नहीं इन लोगों को कभी साथ में नहीं लेना क्योंकि ईसा मसीह के विरुद्ध में ऐसे ऐसा बोला है, इस प्रकार जोर जोर से आवाज से वो उसका अपोज किया। लेकिन कहा वहां पर अलेक्जेंड्रिया के 362 के उस काउंसिल के अंदर ये निर्णय किया जो लोग पश्चाताप कर करके आएगा उनको वापस लेना है। इस कारण सेंट लूसिफर ऑफ कैग्लियारी इस गुट से मतलब कैथोलिक चर्च का ये इस निर्णय से नाराज होकर के अलग हो गया। उस अलग होकर के उनका कुछ लोग और था और स्टर्न, हम सही कैथोलिक, हम इसका विरोध कर रहा है, इन नारिन लोग जो पाषंडता सिखा रहा है इनका विरोध कर रहे बोल करके उनका एक समुदाय, उनको लूसिफरिनस कहते हैं, लूसिफर का जो फॉलोवर्स। इसका मतलब कैग्लियारी के जो बिशप, इसके बाद करीब 5 वर्षों के बाद 370 में इनका मृत्यु भी होते हैं। और उस कैग्लियारी के सार्दियानिया में है ये कैग्लियारी, वहां के एक संत के रूप में इन लूसिफियरियंस ने उसका घोषणा की, लेकिन कैथोलिक चर्च उनको संत कर करके नहीं, लेकिन मई 20 तारीख को उनका फीस्ट भी मनाता है, 20 मई को लूसिफर ऑफ कैग्लियारी का फीस्ट भी उस एरिया का चर्च मनाते हैं, क्योंकि सार्दियानिया का लोग वहां का उस एरिया का लोग इस संत को, इसका मतलब एक बिशप का कैथोलिक चर्च का एक बहुत बड़ा विश्वासी बिशप का नाम भी क्या था, लूसिफर था, बिशप लूसिफर। इसका मतलब लूसिफर यदि शैतान का नाम है तो बिशप को नाम नहीं डालना था ना, एक गलती। अभी यदि हम लोग इस लूसिफर शब्द का, जैसे मैंने बोला है लूसिफर के शब्द का मतलब है मॉर्निंग स्टार, लाइट ब्रेयर ब्रिंगर, ऐसे भी बोल सकता है। नहीं तो यदि हम लोग है जो तारों को देखेंगे उनमें से एक तारा जो वीनस, हमें मालूम है सुबह के समय पर वो पूर्वी साइड में हम लोगों को दिखाई देता है, पूर्वी साइड में, ईस्ट साइड में एक तारा जलता हुआ, उसको वीनस बोलते हैं, वीनस। वो वीनस पूर्वी साइड में जल करके कहा जाता है वो सूरज उदय का ये घोषणा करते हैं, सूरज अभी उदय होने वाला है, सूर्योदय का घोषणा करने वाले उस तारे को प्रभादक तारा, वो वीनस का नाम है प्रभादक तारा। यहां तक यदि आपको समझ में आ गया है, मैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 में आपको लेकर के जाना चाहूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22, प्रकाशना ग्रंथ समाप्त होने वाला है, वहां पर प्रभु ईसा मसीह का एक वाक्य है, वाक्य 16 के अंदर, प्रभु ईसा मसीह वाक्य 16 के अंदर कहते हैं, मैं ईसा कलीसियाओं के विषय में ये बातें प्रकट करने के लिए तुम्हारे पास अपने दूध भेजा है, मैं दाऊद का वंशज तदा संदान हूं, प्रभाद का उज्जवल तारा हूं। ध्यान से सुन लीजिए, ईसा मसीह स्वयं कहता है मैं दाऊद का वंशज तदा संदान हूं, प्रभाद का उज्जवल तारा हूं, मॉर्निंग स्टार। यदि इसको लैटिनी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे यही लूसिफर शब्द है। ईसा मसीह कहते हैं मैं लूसिफर हूं। अभी शैतान लूसिफर है या ईसा मसीह लूसिफर आप मानेंगे? प्रभु को क्यों लूसिफर हम लोग मान रहा है? प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं कहा प्रभु का सेकंड कमिंग में
वो ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक ऐसा आग जैसे, मतलब एक एक जैसे बिजली कड़क रहा है वैसा जाने का, दुनिया का नष्ट होने का, ये सब वहां पर लिखा हुआ है। इसके अनुसार इसका मतलब वो मॉर्निंग स्टार के समान ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने वाला, या और यहां पर दाऊद का संतान, प्रभु स्वयं कहते हैं मैं प्रभात का उज्जवल तारा हूं, सबसे शाइनिंग मॉर्निंग स्टार मैं हूं कर करके। उसी प्रकार सेकंड पीटर पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय एक वाक्य 19 में भी हम लोगों को यही मॉर्निंग स्टार मिल रहा है। इसका मतलब है सचमुच में मॉर्निंग स्टार ईसा मसीह है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 391-92 में, 391 और 92 सैतान के विषय में एक्सप्लेन किया हुआ है। वो फॉलन एंजल्स जो स्वर्गदूत था जो पाप में गिर गया, उनके विषय में वर्णन किया है। वहां पर लूसिफर शब्द नहीं है, उस फॉलन एंजल्स को लूसिफर शब्द नहीं है, ईसा मसीह। अभी देखो मुझे एक और याद आ रहा है, लूकस को सुसमाचार दिया है 10:19 में होना चाहिए, ईसा मसीह शिष्य लोग जो लौट करके आया ईसा मसीह के नाम पर, प्रभु आपके नाम पर हमने शैतान को भी नीचे गिराया, हमारे अधीन हुआ, ऐसे सब बोला। तो ईसा मसीह ने क्या कहा, मैंने बिजली की तरह शैतान को जमीन पर गिरता हुआ देखा। वहां पर भी लूसिफर नहीं लिखा, वहां पर भी लूसिफर नहीं। मैंने बोला ना बाइबल के अंदर उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और शैतान को कोई नाम ही नहीं है। ईसा मसीह सचमुच में लाइट ब्रिंगर है, और सत्य को और प्रकाश को संसार में लाने वाला ईसा मसीह है। इसलिए सचमुच में अगर किसी का नाम इस प्रकार लूसिफर डालना है, वो ईसा मसीह का नाम होना चाहिए। कैटेकिस्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2853 में, 2853 में ईसा मसीह ने हे पिता हमारे प्रार्थना सिखाया। वहां पर हम लोग प्रार्थना करते हैं डिलीवर अस फ्रॉम ईविल, हमें इस दुष्ट आत्मा से बचाना, परीक्षा से हमें बचाना, ऐसा कर करके। वहां लूसिफर का नाम नहीं लिया ईसा मसीह ने, दुष्ट का नाम लिया। या हम लोगों ने योहन का सुसमाचार दिया है 8:44 को पढ़ा था, वहां पर भी शैतान के विषय में लिखा, लेकिन वो झूठा इंसान ऐसा ऐसा कर करके बोला। वहां पर भी उन्हें प्रकाश का तारा या लूसिफर शब्द को इस्तेमाल नहीं किया। इसी प्रकार बाइबल के अंदर कहीं भी जहां शैतान के विषय में डायरेक्ट लिखा है, वहां कहीं भी उसे प्रभात के तारे के रूप में हो या उसको लूसिफर का नाम हो, ये नहीं दिया है। ये केवल वहां का इसहाक का ग्रंथ दिया है 14:12 का ट्रांसलेशन में, वुलगाते बाइबल में वहां पर निर्णय किया है, वहां पर ट्रांसलेट किया था लूसिफर। अब एक और बात है, यदि वो शैतान के लिए भी लिखा हुआ है लूसिफर शब्द, तब भी वहां उस पाठ को अगर पढ़ेंगे, उस प्रभात का तारा, उस ज्योति वाला वो जो स्वभाव है शैतान को, कब था वो, जब एंजल था तब का वो स्वभाव के विषय में। तुम एंजल था, ऐसा प्रकाश का तारा था, आज तुम अंधकार कैसे बने? आज शैतान लूसिफर नहीं है, अंधकार है, आज वो प्रकाश का तारा नहीं है। इसलिए भी ये बोलना बहुत ही गलत है। संत पापा क्या सिखाया क्या बोला, ये सब झूठी शिक्षा है। यदि लातिनी प्रार्थना के अंदर लूसिफर शब्द आया, उसके लिए कोई गलत नहीं है, मैं यही बोल कर दूंगा, क्योंकि प्रभात के तारा बाइबल के अंदर ईसा मसीह के लिए संबोधित है। एक और मैं बोल सकता हूं,
मैंने वो पिछले क्लास में भी बोला था, प्रभात का तारा बोल करके माता मरियम की स्तुति बिंदी के अंदर भी हम लोग बुलाते हैं प्रभात के तारे। क्यों? यदि ईसा मसीह संसार की ज्योति है, सन है, उनके उदय के पूर्व में माता मरियम, उनका जन्म, उनका जीवन ईसा मसीह की ओर हमें इंगित करता है। जैसे वीनस सूरज आ रहा है उसका सूचना दे रहा है, उसी प्रकार मरियम ईसा मसीह का सूचना देने के लिए जन्म लिया। इसका मतलब मॉर्निंग स्टार अर्थात लूसिफर नाम, वो टाइटल माता मरियम के लिए भी सही है, शैतान के लिए अभी सही नहीं है। शैतान अभी अंधकार का है, लूसिफर प्रभात का तारा था, उनके फॉलन के पहले उस प्रकार का एक अवस्था था, लेकिन आज वो अंधकार है, वो आज ये नहीं है। जॉन पॉल सेकंड, संत पापा जॉन पॉल सेकंड अपने एक लेख के अंदर रिडेम्पटिस मातर, माता मरियम के विषय में लिखा हुआ, उसके अंदर माता मरियम को मॉर्निंग स्टार कह करके बताया है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व में जिस प्रकार वीनस नक्षत्र आते हैं, उसी प्रकार हमारे मुक्ति सल्वेशन हिस्ट्री के आरंभ में माता मरियम का आना, वो मॉर्निंग स्टार, वो टाइटल माता मरियम के लिए फिट बैठते हैं। ये संत पापा जॉन पॉल सेकंड का भी कहना है। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा है एक झूठी शिक्षा पोप फ्रांसिस के विरुद्ध में। पोप फ्रांसिस ने लूसिफर को ईश्वर घोषित किया, 2 साल से वो चल रहा है, आज तक हमारा कैथोलिक चर्च में ये नहीं आया, लेकिन प्रोटेस्टेंट चर्चों में वो चल रहा है। इसका मतलब लूसिफर लूसिफर बोल करके उनकी पूजा वे लोग कर रहा है, शैतान का पूजा, क्योंकि उनके लिए वो शैतान है। शैतान इसमें बहुत कुछ है। ऐसे ऐसी झूठी शिक्षाओं के द्वारा कैथोलिक चर्च को कोई हानि नहीं, बल्कि ये प्रचार करने वालों की आत्मा नष्ट हो रहा है, ईश निंदा का पाप कर रहा है। इसलिए ऐसे शिक्षाओं से बच के रहिए। और जिस भाई मेरे को ये डाल करके दिए वीडियो, मैंने उनसे भी यही सवाल किया, क्या आप विश्वास करते हैं? यदि आप कैथोलिक है तो क्या आपको ऐसा शिक्षा मिला? अभी लूसिफर से प्रार्थना करो बोल करके, भी 2 साल से चल रहा है कैथोलिक चर्च में, अगर संत पापा का कोई भी आदेश है तुरंत उसी फर्स्ट संडे को हमारे चर्च में पढ़ा जाता है, हमें सिखाया जाता है। जो भी चर्च का नियम है, जो भी ऑर्डर है, उसको हमारे चर्च में मिसा के बीच में उसको पढ़ा जाता है, सिखाया जाता है। 2 साल से मैं स्वयं देख रहा हूं ऐसा वीडियो चल रहा है, हमारे चर्चों में आज तक ये नहीं सिखाया लूसिफर ईश्वर है करके। क्यों ऐसे झूठी शिक्षाओं के द्वारा अपनी आत्मा को नष्ट करना है? आइए हम अपनी आंखें बंद करें। ऐसे जितने भी पाषंडी लोग, शैतान के लोग हैं, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। जितने भी ऐसी झूठी शिक्षाएं कलीसिया के विरुद्ध में हो, माता मरियम के विरुद्ध में हो, संत पापा के विरुद्ध में हो, जो कर रहा है शैतान कर रहा है, एंटी क्राइस्ट बोल रहा है, हमने अनेकों क्लास अभी तक सुना, आज 26वां क्लास था। प्रभु से प्रार्थना करें ऐसे लोगों को मन परिवर्तन मिले, ऐसी शिक्षा देने वाले लोग जो शैतान के पूजक लोग हैं और कुछ अज्ञानी लोग उनके वश में पढ़ करके ऐसा प्रचार कर रहा है, जिनको बाइबल का, कैथोलिक चर्च का, प्रभु का ज्ञान नहीं है। प्रभु से विनती करें, प्रभु ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, मन परिवर्तन कीजिए, उनकी आत्मा को बचाइए। प्रभु वो जान नहीं रहा है क्या कर रहा है, उनमें जो शैतानी स्वभाव, जो आपने जिसे नियुक्त किया चुना उनका विरोध करने में, उनकी निंदनीय शब्दों से उनको बुलाने में, उन्हें वो डर नहीं रहे प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए प्रभु, उन लोगों को आशीष दे, कृपा दे,
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।